धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुधामा ना चाहते हुए भी द्वारकाधीश के महलों में पहुंच जाता है। द्वारपालों ने रोका, सुधामा कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दरबार में एक आस लेके आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच करके आस लेके आया हूं। आपकी ताली का साथ होना चाहिए, क्या बात है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि तर पे सुधामा करीब आ गया है, कहां से न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि तर पे सुधामा करीब आ गया है, करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, के कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुधा करीब आ गया है, करीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, से कह दो, अरे द्वारपाल उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खिंच के ताड़ी मारो जरा दब के एक बार, आनंद आया, चंगा लग रहा है।